आपके पिताजी सपा में है, तो कैसे इस तरह इसको आप निभाएंगे? हो सकता है वो भी बीजेपी में आ जाए। आपके पिताजी सपा में है, तो कैसे इस तरह इसको आप निभाएंगे? हो सकता है वो भी बीजेपी में आ जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने आजमगढ़ जिले के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल आजमगढ़ मऊ विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में महाराजगंज ब्लॉक में लगे बीजेपी के कैंप में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के बैठने की तस्वीर वायरल हो रही है। दल बदलने के माहिर समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की इस वायरल तस्वीर ने समाजवादी पार्टी के खेमे में भी खलबली मचा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आजमगढ़ मऊ विधान परिषद चुनाव में अपने बेटे अरुणकांत के मुंह में रमाकांत यादव अपनी पार्टी से ही बगावत कर बैठे। ये तस्वीर आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर में देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव बीजेपी के खेमे में अपने बेटे को एमएलसी बनाने की रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक अरुणकांत यादव को मैदान में उतारा था। अरुणकांत सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे हैं। रमाकांत यादव ने पुत्र मोह में पार्टी लाइन से हटकर अपने बेटे के लिए दिन रात प्रचार किया और उन्हें एमएलसी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शनिवार को जब जिले के 24 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ महाराजगंज ब्लॉक पर बाहुबली रमाकांत यादव बीजेपी के खेमे में बैठे नजर आए थे। यहाँ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश भी मौजूद थे। प्रेम प्रकाश ने ही फेसबुक पर इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा कि जीतेगी तो बीजेपी ही। फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही यहां के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। अपने बेटे के लिए अंदरूनी प्रचार कर रहे रमाकांत यादव मतदान के दिन खुलकर बीजेपी के पक्ष में नजर आए। इसी ब्लॉक से महज चंद कदमों की दूरी पर सपा प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू का आवास भी है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक यादव पंचायत भी। रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत ने एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान ये कहकर सनसनी भी फैला दी थी कि उनके पिता रमाकांत यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मैं माऊ आजमगढ़ एमएलसी का प्रत्याशी हूँ और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समर्थन के लिए, मुझे आमंत्रित किया और मेरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। बाकी मैं जिस भी लायक हूँ सदैव इनके साथ रहूँगा और एक नया इतिहास हम लोग मिलकर के बनाएंगे। आपके पिताजी सपा में है, तो कैसे इस तरह इसको आप निभाएंगे? हो सकता है वो भी बीजेपी में आ जाए। खैर, एमएलसी पद के लिए हुए चुनाव के दिन बीजेपी नेताओं के साथ खिंची इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव ने पुत्र मोह में पार्टी का अनुशासन तोड़ा है। हालांकि अनुशासन तोड़ने की ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सीट छोड़ने वाले एमएलसी यशवंत सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जहां उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर अपने पुत्र मोह में पार्टी से बगावत कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने यशवंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन देखना होगा कि समाजवादी पार्टी रमाकांत यादव पर अब क्या कार्रवाई करती है।